इस भीषण गर्मी में लोग काफी परेशान हैं, वहीं जानवर भी इस गर्मी से अछूते नहीं हैं। गर्मी से जानवरों को बचाने मैत्रीबाग प्रबंधन द्वारा शेर के पिंजरों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, वहीं बंदरों को तरबूज व ठंडे फल भी खिलाए जा रहे हैं। भिलाई के मरोदा में मैत्रीबाग जू है। एशिया में सफेद शेर का ये सबसे बड़ा जू है, पर गर्मी में जू के जानवर परेशान है। दोपहर को शेर गर्मी से परेशान होकर लगातार दहाड़ लगा रहे हैं। वहीं प्रबंधन गर्मी से शेर को बचाने फव्वारे का इंतजाम कर रहे हैं ताकि बैरक में मौजूद जानवरों को गर्मी से राहत मिल सके। मैत्री गार्डन प्रभारी डॉक्टर नवीन जैन ने बताया कि गर्मियों से बचाने के लिए मैत्री गार्डन में मौजूद जानवरों के बैरकों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जो जानवर खुले में हैं, उन पर पानी की बौछारों का भी छिड़काव हो रहा है। साथ ही जानवरों के खाने पीने का विशेष ध्यान रखा गया है। गर्मी से बचाने के लिए शेर और भालू जैसे जानवरों को ठंडा मांस भी दिया जा रहा है। साथ ही बंदरों सहित अन्य जानवरों को भोजन के तौर पर तरबूज और खरबूजा दिया जा रहा है। ज्यादा गर्मी होने की वजह से जानवरों को डिहाइड्रेशन की वजह से कई बीमारियां होती हैं। इस पर भी जू प्रबंधन समुचित व्यवस्था कर रखा है। मैत्री गार्डन प्रबंधन ने शेर के पिंजरे में कई दरवाजे स्थित रखे हैं जहां से गर्मी हवा अंदर ना जाए, उसके लिए प्रबंधन ने घास से जुगाड़ कर बनाई चटाई को दरवाजे व खिड़की में लगाया है, जिसमें समय समय से उसमें पानी डाला जाता है। वहीं भालू पिंजरे से बाहर आएगा तो पानी से होकर गुजरेगा और इस भीषण गर्मी से उसे राहत मिलेगी। इस वर्ष अभी तक तो काफ़ी दिनों से पानी के कारण गर्मी नहीं बढ़ी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से गर्मी भारी तापमान बढ़ा है। इसके मद्देनजर मैं मैत्रीबाग के जो जानवरों के लिए, खासकर हमने हिरन और सामर और जो ब्लैकबक के केज में फाउंटेन रूपी एक आर्टिफिशियल वो बनाया है, जिससे पूरे केज में ठंडकता बनी रहती है। साथ साथ हम भालू के केज में एक वाटरफॉल बनाया है, कृत्रिम वाटरफॉल बनाया है, और टाइगर के केज में हमने पानी भर दिया है और पाइप से स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं। साथ साथ में बर्ड्स और मंकी के बचाव के लिए हरा कपड़ा जो होता है, जो ग्रीन सेट होता है, उसको पूरा बांध के गर्मी से बचाव कर रहे हैं। एक टाइफा चैट चटाई होती है, जिसको लगाने से भी काफ़ी तापमान में कमी आती है। कैन न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।